हे गाइस, स्वागत है सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ क्लैश स्क्वाड के रिलेटेड। मैं आप गारंटी दे सकता हूँ इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो गेम प्ले है वो क्लैश स्क्वाड के दौरान भाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। वो क्लैश स्क्वाड ही नहीं, जितने भी जो सोल्ड रेंज का फाइट भी होती है, डुअल वुल्फ मोड हो गया और आपका नॉर्मली रैंक मोड भी क्यों ना हो जाए, उसमें जितने भी जो सोल्ड रेंज का फाइट होता है वो भाई आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल में आपको भाई टॉच घेर के आप भाई मतलब बनी को फिनाउंस करने वाले हो। तो कौन सी चीजें जिस चीज को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इस दौरान आपका जो गेम प्ले है वो इम्प्रूव होगा तो होगा क्लैश स्क्वाड के दौरान, और दूसरे मोड में भी आपका गेम प्ले इंप्रूव हो सकती है। तो मैं बहुत सारा चीज बताऊंगा, तो भाई जानने के लिए इस वीडियो ऊपर आने के देखिए ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भाई पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा वन टर्ब ही मारने के लिए ट्राई नहीं करनी है। आपको ट्राई करना है कैसे भी करके आपको बंदे को भाई पूरा फिनिश आउट करना है, चाहे वो बॉडी छोड़ी क्यों ना मारो या फिर हेड छोड़ी क्यों ना मारो, आपको हमेशा वन टर्ब या फिर ऐसा कुछ चीज के आपके पीछे नहीं पड़ने। आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है, आपको बंदे को कैसे भी करके फिनिश करना है। बहुत सारे बंदे को देखो मतलब वो वन टर्ब के चक्कर में वो एनिमी को मारना ही भूल जाते हैं। आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है, आपको देखो वन टैप मारो, वन टैप बुरा चीज नहीं है। आपको ये चीज को भी ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ वन टैप के चक्कर में आपको हारना नहीं है। और बहुत सारे बंदे को देखो वन टैप भी बहुत तगड़ा मारते हैं, पर बहुत बार भी उनका ऐसा देखो मतलब एम जो है वो भाई इधर उधर चला जाता है, जिस वजह से है वो मर जाते। तो भाई आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है, आपको वन टैप के चक्कर में आपको गेम प्ले को बेकार नहीं करना। आपको ट्राई करने की बॉडी शॉट भी क्यों ना, आपको बंदे को फिनिश करने की आपको आनी चाहिए। अभी दूसरे बात कर लेते, दूसरे में आपको क्या चीज करनी है। देखो बहुत बार बंदे को देखो मतलब वो हर बार वो कोई ना कोई कैरेक्टर को चेंज करते रहते, आपको ऐसा नहीं करना। आपको भाई ट्राई करने की कोई भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाओ और उस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को मिनिमम भाई एक हफ्ते से लेके दो हफ्ते तक यूज करो कॉन्स्टेंटली। आप कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो उनका काम क्या है वो आप अच्छे से जान जाओगे, और जानोगे तो भाई आपको जाहिर सी बात है आपको बहुत ही फायदा आने वाली। आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है, आज के बाद आप कोई भी बेस्ट तगड़ा वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाओ शॉर्ट रेंज के लिए, और आपको पता नहीं कि कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा शॉर्ट रेंज के लिए। तो भाई मैंने वीडियो बना के रखा हूं आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो वीडियो को चेकआउट कर लेना। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको बहुत ही तगड़ा वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का आइडिया लग जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखनी है, आपको आज के बाद मतलब ये वीडियो के बाद जाके आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको अपने हिसाब से यूज करना है, और वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को मिनिमम एक हफ्ते से दो हफ्ते यूज करना है, उसके बाद आपके हिसाब से आपको चेंजेस करनी है। तो अभी तो हो गई दूसरी टिप, अभी बात कर ले तीन चीज में। आपको थर्ड नंबर पे आपको कौन सी चीज को ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखनी है, आपको वो हर एक मोड में खेलना है जिस मोड में शॉर्ट रेंज का फाइट होती है। देखो क्लैश स्क्वाड की बात किया जाए तो भाई वो एक तरफ से देखा जाए तो भाई वो शॉर्ट रेंज की ही फाइट होती है, पूरा शॉर्ट रेंज का फाइट होता है। बहुत बार रेयर चांस होती है कि भाई लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज का फाइट हो, मतलब मैक्सिमम टाइम ऑफ 10 देखा जाए तो भाई शॉर्ट रेंज का ही फाइट होता है। तो आपको ट्राई करना है जितने भी जो नया नया मोड आता है, जैसे कि लून वुल्फ मोड हो गया और बहुत सारे से मोड आते हैं, वो मोड को खेलना है। उन मोड खेल में तो भाई आपको क्या होगा, आपको शॉर्ट रेंज का जो फाइट लेने का जो स्किल है वो तो इंप्रूव होगा होगा, और आपका क्लैश स्क्वाड में भी वो गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। इनके दौरान क्या होगा, आपका जो नॉर्मल रैंक में भी आपको शॉर्ट रेंज में कैसे फाइट लेना है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो भाई देखो देखा जाए तो तीन फायदा हो सकती है, आपको दूसरे मोड भी खेलना है, ऐसा नहीं कि एक ही मोड पे खेलो। तो ये तो बात होगी तीसरी हमारी चीज है, जिस चीज भाई बहुत ही तगड़ा वाला चीज था भाई, इस चीज को ध्यान में रखो, हवे में मत लो। सारे जितने भी बातें बता मतलब बोलने में तो इतना छोटा छोटा बात है, तो ये बहुत ही इंपैक्ट करता है आपके गेम प्ले के ऊपर। एक बार ट्राई करके देख लें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका गेम प्ले एक हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल जाने वाली। अभी बात कर लेते चौथे नंबर पे आपको क्या चीज करनी। देखो बहुत बार बंदे को मैंने देखा तो भाई बहुत बार क्या होता है वो ग्राफिक्स को बहुत ज्यादा हाई करके खेलते, और जबकि बार की भाई उनके पास इतना तगड़ा वाला फोन या फिर डिवाइस नहीं होते और कैपेबिलिटी नहीं होता है। देखो इतना ज्यादा हाई ग्राफिक्स करके खेलोगे तो जाहिर सी बात है अपना फोन जो है लैग होने लगेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखनी है, और आपके फोन के हिसाब से आपको ग्राफिक्स को अपना हाई करना, आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है। अभी बात कर ले लास्ट, इस वीडियो का लास्ट है पूरा, ये एंड टिप नहीं है। क्लैश स्क्वाड के दौरान या फिर शॉर्ट रेंज के दौरान बहुत ज्यादा ऐसे टिप ट्रिक आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको जानना चाहिए। अभी ये जो इंपोर्ट आई है बहुत तगड़ा वाला चीज है। देखो बहुत बार इस चीज को इग्नोर करते हैं, मतलब बहुत बंदे इग्नोर करते हैं इस चीज को। भाई ये जो आखिरी वाला चीज है क्या करना है, आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपको दूसरे चीजों को भी यूज करना है। अभी बहुत बार देखो मतलब शॉर्ट रेंज का फाइट है तो भाई वो गन को ही यूज करे, ऐसा नहीं है भाई। आप क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो तो भाई आपको ग्रेनेड को भी यूज करना चाहिए। ग्रेनेड ऐसा एक चीज है जो कि भाई आपको बहुत ही तगड़ा वाला मतलब एनिमी के ऊपर आपको पूरा क्लच करके 1v4 या फिर 1v10 भी क्यों ना हो जाए, ग्रेनेड ऐसा एक चीज है जिसको यूज करके आप पूरा पूरा फाइट मतलब जीत सकते हो। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है, आपको ट्राई करना है दूसरे स्किल को सीखना है, मतलब ग्रेनेड से कैसे बंदे को मार सकते हो या फिर कोई भी मिली ओपन हो गया दूसरे कैसे आप क्लच करके फिर से मार सकते हो। आपको हर एक वो चीजों को सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई गन से ही आपको वन टाइम मारना है या फिर मतलब 1v4 करना है गन से ही नहीं। आपको ग्रेनेड ग्लोअल ऐसे सारे मतलब ग्लोअल से तो नहीं हो सकती, ग्रेनेड मिली वेपन फिस्ट इन सब चीजों से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके आपके देखो गेम प्ले तो आपको इम्प्रूव होगा होगा, आपको बहुत ज्यादा से आइडियाज लग जाएगा। आप सीरियसली हो आपको गेम प्ले में कुछ इम्प्रूव करने के लिए, ये जो भी चीजें बताया उस चीज को फॉलो करो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका गेम प्ले बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। और जिस दिन आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाएगा भाई को मत भूल जाना, आके एक बार भाई के साथ खेल दे रहे मैच या फिर कमेंट में आके बता देना कि मुझे
भी खुशी मिले। भाई आज की वीडियो में इतना ही, जो भी चीजें बताया सच्ची में भाई एक बार फॉलो करके देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका गेम प्ले एक हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली। भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना। आपका भी ऐसा कोई दोस्त है जिसके साथ आप क्लास कोड खेलते हो उसके भी साथ शेयर कर देना ताकि उसको भी आइडिया लग जाए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो। तो भाई वो आपके साथ ही रहे, अब जो जो करोगे वो ही की चीजें करेगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी मजदार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए गुड डे।